भाईजान की फिल्म राधे और लक्ष्मी बॉम्ब के क्लैश को लेकर पिछले काफी वक्त से फैंस के बीच बस बना हुआ है। हर कोई यही जानना चाहता है कि सलमान का इस खबर पर क्या रिएक्शन होगा। हाल ही में दबंग 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान ने अकी की फिल्म के साथ होने वाले क्लैश पर बात की है और कहा है कि नहीं, ईद किसी की डे नहीं है, हर कोई ईद पर अपनी फिल्म रिलीज कर सकता है। एक्चुअली मेरी फिल्म ईद से 3 दिन पहले रमजान में रिलीज हुई थी और अब दबंग 3 क्रिसमस पर रिलीज हो रही है। मैं दिवाली और रिपब्लिक के दौरान भी फिल्में रिलीज करता हूँ। सारे फेस्टिव डेज अच्छे दिन होते हैं फिल्म रिलीज करने के लिए। वहीं सलमान ने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि उनके पास ऑलरेडी दबंग 4 भी लिखी हुई है। सलमान खान शादी कब करेंगे, ये सवाल उनके फैंस के बीच हमेशा बना रहता है। अब तो सलमान भी ये सवाल सुन सुनकर थक चुके हैं, लेकिन उनके फैंस पूछते पूछते नहीं थकते हैं। सलमान शादी कब करेंगे और करेंगे भी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सलमान खान के भाई अरबाज खान ने उनकी शादी को लेकर जवाब दिया है। हाल ही में दबंग 3 के प्रमोशन के दौरान जब एक बार फिर सलमान से यही सवाल किया गया, जिस पर इस बार सलमान के भाई अरबाज ने जवाब देते हुए कहा, लोगों की पूरी जिंदगी निकल गई ये सवाल करते करते कि सलमान शादी करेंगे, मतलब आप लोग थकते नहीं हैं। जिस दिन सलमान ये डिसाइड कर लेंगे कि वो शादी करने जा रहे हैं, उस दिन वो खुद बता देंगे कि वो शादी कर रहे हैं। टारगेट्स हमेशा पेपराजीज की अटेंशन ग्रैब करते हैं। न सिर्फ तैमूर बल्कि शाहरुख के लाडले अब्राम भी अपनी क्यूटनेस की वजह से सबके चहेते हैं, और अब्राम की इसी क्यूटनेस का सबूत बॉलीवुड 2020 में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पेपराजी को साइड हटने के लिए इशारा करते नजर आ रहे हैं बादशाह खान के लाडले। सोशल मीडिया पर अब्राम का ये वीडियो वायरल हो रहा है और फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल इन दिनों अपने अपकमिंग फिल्म छपाक को लेकर काफी लाइमलाइट बटोर रही है। हाल ही में छपाक का ट्रेलर आउट हुआ है, जिसे हर तरफ से काफी प्यार मिल रहा है। इसी बीच फिल्म का प्रमोशन करने के लिए दीपिका कपिल शर्मा शो पर पहुंची। शो तो अभी टेलीकास्ट नहीं हुआ, लेकिन सेट से कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं। पिंक आउटफिट में दीपिका काफी खूबसूरत लग रही हैं और सबकी अटेंशन ग्रैब कर रही हैं। वेल, कपिल खुद दीपिका को कितना पसंद करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में जब दीपिका कपिल के शो में पहुंचेंगी तो कितनी मस्ती और धमाल होगा, इसका अंदाजा लगा पाना आसान है। एक्ट्रेस सारा अली खान बॉलीवुड में हर फिल्म के साथ मजबूती से कदम रख रही हैं और वो सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जाती हैं। लेकिन सारा अली खान ने इस बार बेहद अलग अंदाज में अपनी एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के सदाबहार एक्ट्रेस रेखा जी का जिक्र किया। अपनी पिक्चर्स को शेयर करते हुए सारा के कैप्शन ने सभी की अटेंशन ग्रैब की। उन्होंने लिखा, इन आंखों की मस्ती रेखा जी से है, सारा बहुत सस्ती, लकीली वो अपने आप में है हस्ती, वो खुद ही ये सारी बातें करती और वो फंसती। सारा के स्पीकर कैप्शन पर कमेंट करते हुए उनके को स्टार वरुण ने लिखा, यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। सारा ने वरुण के कमेंट का रिप्लाई दिया और लिखा, वरुण दिस वॉज ऑन आवर सेट ओनली। आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए चर्चा में हैं। हाल ही में आमिर का एक लुक वायरल हुआ था, जिसमें वो लाल सिंह चड्ढा के लुक और गेटअप में हैं। लंबे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, सिर पर कैप लगाए और मैले कपड़े पहने आमिर का ये लुक सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ये तस्वीर जैसलमेर की थी और अब लेटेस्ट फोटोज कोलकाता से आई है। खास बात यह है कि शहर बदल गया, मगर आमिर का लुक और गेटअप वही है, जिससे पता चलता है कि उनका ये लुक लाल सिंह चड्ढा का एक अहम पार्ट होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी लास्ट टाइम सलमान की फिल्म भारत में नजर आई थी और एक बार फिर मिस पाटनी भाईजान के साथ राधे में नजर आने वाली हैं। वहीं कुछ वक्त पहले ही दिशा ने मोहित सूरी की अपकमिंग फिल्म मलंग की शूटिंग रैप अप की है और इस फिल्म में दिशा के साथ आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर और कुणाल खेमू नजर आएंगे। खबरों की माने तो दिशा ने फिल्म के लिए सेंसिटिव अंडर वाटर ट्रेनिंग ली थी और कई वाटर बेस्ड स्टंट्स भी सीखे थे। दिशा ने स्कूबा डाइविंग और काइट सफरिंग भी सीखी है। ये सभी चीजें दिशा ने फिल्म में अपने कैरेक्टर के लिए सीखी है, ताकि उनके स्टंट्स वो खुद कर सके। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा खुद पेट ओनर हैं। उनके पास डॉगी है और एक डॉगी उन्होंने अपने पति निक जोनस को भी एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया है। एनिमल लवर प्रियंका ने इस बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एनिमल से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया, जो काफी फनी है। वीडियो बिल्लियों से जुड़ा है। इस वीडियो में अलग अलग कैट ओनर अपने मोबाइल पर कैट फिल्टर का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। इस दौरान वो अपनी बिल्लियों को गोदी में लिए दिख रहे हैं। मोबाइल पर जैसे ही बिल्लियां अपने ओनर के फेस पर कैट फिल्टर देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। कुछ बिल्लियां डर जाती हैं तो कुछ ओनर पर ही हमला करने लगती हैं।
सबसे ज्यादा सर्च किए गए व्यक्तियों में 90 वर्षीय गायिका लता मंगेशकर दूसरे नंबर पर रही। 11 नवंबर को निमोनिया की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा गया था। इसके बाद से ही वो टॉप ट्रेंड में बनी हुई है। इस साल जनवरी में विकी कौशल की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हुई थी, जो कि भारत द्वारा पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस्ड थी, इसीलिए विकी को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। तारा सुतारिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इस साल मई में करण जौहर की फिल्म 42 रिलीज हुई थी, जिसके जरिए तारा सुतारिया ने एक्ट्रेस के रूप में डेब्यू किया था। तारा एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती है, इसी वजह से उनके बारे में जानने के उत्सुक लोगों ने उन्हें खूब सर्च किया और वो इस लिस्ट में आ गई। दिशा पाटनी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म राधे की तैयारियों में लगी हुई है। राधे में दिशा पाटनी के साथ सलमान खान लीड रोल में नजर आएंगे। दिशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अपनी लाइफ से जुड़ी चीजें आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती हैं। हाल ही में एक्टिंग डांसिंग के साथ साथ दिशा ने अपना नया टैलेंट भी दिखाया। दिशा पाटनी अपनी क्रू मेंबर की हेयर स्टाइलिस्ट बन गई हैं। दिशा ने सोशल मीडिया पर कई वीडियोस और फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो अपनी टीम की गर्ल्स के हेयर सेट करती हुई नजर आ रही है। एक्टर फरहान अख्तर अपनी अपकमिंग फिल्म तूफान के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। वहीं खुद को अपने कैरेक्टर के अंदर पूरी तरह से ढालने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के इस फिल्म में फरहान अख्तर मुक्केबाज के किरदार में नजर आएंगे। फरहान आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी बॉक्सिंग से जुड़ी पिक्चर्स शेयर करते रहते हैं। ये दूसरा मौका होगा जब फरहान अख्तर एक खिलाड़ी की स्पोर्ट्स प्लेयर के कैरेक्टर में नजर आएंगे। हाल ही में फरहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पिक्चर शेयर की है, जिसमें वो रिंग में ग्लव्स पहने नीरज गोयत के साथ आंखों में आंखें डाले दिख रही है। पिक को शेयर करते हुए फरहान ने कैप्शन में लिखा, इफ यू वांट जेन्युइन वर्क विद जेन्युइन गाइस। फरहान के इस पिक पर उनकी गर्लफ्रेंड शिबानी ने कॉमेंट किया और लिखा, सिक। SS राजामौली की फिल्म RRR में NTR और रामचरण समेत आलिया भट्ट और अजय देवगन नजर आने वाले हैं। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जो कुमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के कैरेक्टर को नया मोड़ देती नजर आएगी। खबरों की माने तो RRR की टीम कुछ दिनों के लिए विशाखापट्टनम में फिल्म की शूटिंग करेगी। टीम हाल ही में विशाखापट्टनम पहुंच चुकी है और अपने शहर में टीम को देखकर फैंस की खुशी सातवें आसमान पर है। फिल्म RRR की 70% शूटिंग पूरी हो चुकी है। एक साल पहले इन्हीं दिनों में उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिजिक और अपने एक्शन से लोगों को अपना दीवाना बनाया है। हाल ही में फिल्म बॉर की सक्सेस के बाद अब टाइगर श्रॉफ बागी सीरीज की तीसरी फिल्म के लिए तैयारियां कर रही हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और अभी स्टार कास्ट सर्बिया में शूट कर रही है। टाइगर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करते रहते हैं। हाल ही में टाइगर ने अपने इंस्टा अकाउंट पर अपनी पिक्चर शेयर की। इन पिक्स में टाइगर फॉर्मल कपड़ों में दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरे पिक में हाथों में गम भी ली हुई है। टाइगर ने पिक के कैप्शन में लिखा, ओके आई थिंक इट्स टाइम आई पुट ऑन सम क्लोथ्स एंड फाइट द गुड फाइट नाउ। साउथ के सुपरस्टार और दबंग 3 में विलन का रोल निभाने जा रहे किच्चा सुदीप जल्द ही एक फिल्म डायरेक्ट करेंगे। दबंग 3 के साथ साथ किच्चा अपनी उसी फिल्म के प्री प्रोडक्शन वर्क पर भी काम कर रहे हैं। खास बात तो ये है कि किच्चा अपनी फिल्म के मेन लीड के लिए जॉन अब्राहम को कास्ट करना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में किच्चा ने अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म पर बात की और बताया कि वो जॉन या फिर उनके जैसा ही कोई एक्टर फिल्म के लिए तलाश रहे हैं। खास बात तो ये है कि जॉन जैसी शख्सियत को ही ध्यान में रखते हुए किच्चा ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। वेल, फिल्म की बाकी डिटेल्स तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी डिटेल्स भी बॉलीवुड 2020 आपको जरूर देगा। फुकरे और फुकरे रिटर्न्स की सक्सेस के बाद अब मेकर्स ने फिल्म का तीसरा पार्ट बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने एक इमेज शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी अपने फैंस तक पहुंचा दी कि वो अब जल्द ही फिल्म फुकरे 3 को ऑडियंस के बीच लेकर आने वाले हैं। पिछली दोनों फिल्मों के बाद फैंस के बीच इस बात को लेकर पहले से ही बस बना हुआ है कि फिल्म का तीसरा पार्ट आएगा या नहीं, लेकिन अब इस बात पर रितेश ने दर्शकों की बेताबी को समझते हुए पक्की मुहर लगा दी है। फिल्म फुकरे 3 का डायरेक्शन कौन करेगा इसका फैसला भी नहीं हुआ, लेकिन खबरें हैं कि इस बार फिर फिल्म में पुरानी स्टार कास्ट ही नजर आएगी। बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा और सदाबहार जोड़ियों में से एक है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी। अपने दौर में इस जोड़ी को ऑडियंस का बेशुमार प्यार मिला था और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। हेमा और धर्मेंद्र की केमिस्ट्री को उनके फिल्म शोले में सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने वीरू और बसंती का किरदार निभाया था। हाल ही में हेमा मालिनी ने अपने हस्बैंड धर्मेंद्र के साथ सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की, जिसके जरिए उन्होंने अपने फैंस को बीते दिनों की याद दिला ही दी। हेमा मालिनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस पिक्चर को शेयर किया और साथ ही कैप्शन में लिखा, विद लव एंड बेस्ट विशेस।
बॉलीवुड स्टार्स की हर एक्टिविटी पर रहती है हमारी नजर और स्टार्स की इसी एक्टिविटी को हम आप तक लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं और बताते हैं आपके फेवरेट स्टार्स को हमने कहां कहां कैप्चर किया। सबसे पहले हमने आलिया रणबीर को एयरपोर्ट पर अपने कैबिन में कैप्चर किया। इसके बाद ऋतिक रोशन को भी हमने वर्सोवा के बाहर कैप्चर किया। मौनी रॉय को भी हमने वर्सोवा के बाहर स्पॉट किया। जाह्नवी कपूर को भी हमने जुहू के बाहर स्पॉट किया। अदिति राव हैदरी को भी हमने जुहू के कर्मोके के बाहर स्पॉट किया। शमिता शेट्टी और कियारा अडवाणी को भी हमने कर्मोके के बाहर स्पॉट किया।